ये डुबोइस के पेपर है। आलोक ज़्यादा उछल कूद मत करो, जल्दी से मुझे डुबोइस दे दो। और हाँ, नहीं दोगे ना तुम्हारा हर्ष बहुत बुरा होगा। ज्योति, मर्यादा में रहकर बात करो, नहीं तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आलोक, औकात में रहकर बात करो, ये तुम्हारी बीवी नहीं, हमारी डीएम साहिबा है। मैडम, आप कहिए तो इसे जेल भेजवा दो। इसकी जरूरत नहीं है, चलो। चलिए मैडम। बैठो। ठीक, क्या काम है सर? एफ आई आर लिखवाना है। हेलो, मैं एसडीएम ज्योति मौर्य बोल रही हूँ। जय हिंद मैम। जय हिंद। क्या आपके यहाँ कोई आलोक नाम का आदमी एफ आई आर दर्ज करने का है? तुम्हारा नाम आलोक है क्या? हाँ हाँ मैम, आए हैं। एफ आई आर दर्ज मत करिएगा उसका। ठीक मैम। समझ गए ना? मैं चल रहा हूँ। जय सर। जाओ यहाँ से, तुम्हारा एफ आई आर नहीं लिखा जाएगा। आइए आइए लोग भाई, और कैसे हो? और सुनाओ भैया, जब से भाभी एसडीएम बनी तब से तुम आना जाना तो छोड़ो, फोन भी करना बंद कर दिए। भाई, तुम ज्योति को भाभी मत बोलो। आलोक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई, ज्योति मुझे से तलाक मांग रही है। तुम्हें तो पता है मैं उसकी पढ़ाई के लिए अपने जमीनें तक बेच दिया, कर्जा लिया था, कर्जा भी नहीं भर पाया, लेकिन वो मुझसे तलाक मांग रही है। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई मैं क्या करूँ। मैं थाने पर एफ आई आर लिखाने गया था, डांट कर भगा दिए सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा क्यों, एफआईआर क्यों नहीं लिखा जा रहा? ज्योति एसडीएम है ना, मना कर दे रही है और कोई लिखने के लिए तैयार नहीं है, डांट कर भगा दे रहे हैं सर। अब मैं क्या करूं तुम बताओ। एक काम करो, तुम ये किसी वकील से मिलो, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। सही कर रहे हो भाई, चल रहा हूँ, अब किसी वकील से मिलूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं भाई। ठीक है, ठीक है। प्रणाम सर। नमस्ते, बैठिए। क्या काम है? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आए हो, जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे क्या करूँ, पुलिस वाले ने एफआईआर लिखने का मना कर दिया, वकील मुकदमा नहीं लड़ने के लिए बोले। अरे आलोक भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या दिक्कत है, कुछ बताओ तो सही। आपको तो पता ही है संदीप भाई कि ज्योति मुझे तलाक दे रही है। तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास दो बच्चे हैं, जो पैसे थे मैंने उसे पढ़ाने में लगा दिए, और ज़मीनें भी थी कुछ उसको बेच दिया। कर्जदार रोज़ आकर द्वार पर कर्जा मांगते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं न्याय के लिए थाने पर गया एफ आई आर लिखवाने, थाने पर एफ आई आर नहीं लिखा गया मेरा, और एक वकील से गया था मिलने, वो भी डांट कर भगा दिया, कह रहा है कि तुम एसडीएम के खिलाफ
मुकदमा करवाओगे? तुम्हारा मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा, तुम जाओ। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे भाई, तुम उसके लिए बहुत किए, बहुत किए। एक सफाई कर्मी की नौकरी करके तुम इस स्थान पर उसको पहुंचाए, ये बहुत गौरव की बात है भाई, बहुत गर्व की बात है। लेकिन वह समझी नहीं, ये हमें बहुत तकलीफ है कि तुमने एक यार क्या चीज़ है तुम उसके लिए किए। गहना बेचे, पैसा लगाए, जमीन बेचे, बताओ खेत बेचे, बेच कर उसको पढ़ाते रहे। आज वह SDM हो गई, आज तो तुम्हारी तो सफलता मिली, तुम तो अपना कर्म किए, सफलता मिली। लेकिन वह तुम्हारे साथ कैसे पेश आ रही है, वह उसको सोचना चाहिए, है कि नहीं है? ये गलती वो कर रही है भाई। लेकिन चलिए, कोई बात घबराने की नहीं है, बहुत घबराओ मत, बहुत टेंशन मत लो, ठीक? तुम्हारे मित्र हो, देखो एक हमारा मित्र है, वकील है, हुसैन खान उसका नाम है, उसके यहाँ तुम जाओ, वह सब समस्या का समाधान कर देगा तुम्हारी। बहुत बढ़िया वकील है, बहुत बड़ी से बड़ी केस देखता है भाई। तुम खाली बोल देना कि संदीप भेजा है भाई, एक बार उससे मिल लो, कह देना संदीप भेजा है, तुम्हारी सब समस्या समाधान कर देगा, ठीक ना? ठीक, जाओ अभी इसी वक्त तुम जाओ उसके यहाँ, ठीक है, और हमसे बात भी करा देना, ठीक है भाई, जाओ। तो प्रणाम सर। कुछ काम था क्या? हाँ सर, कुछ काम। बैठिए, बताइए। सर FIR दर्ज करना है। थाने पर जाओ ना। थाने पर गया था लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। किसके खिलाफ़ FIR करवा रहे हो कि FIR नहीं हो रहा है? सर अपनी पत्नी के खिलाफ। पत्नी के खिलाफ़ नहीं हो रहा है? जी। तुम्हारी पत्नी कोई दबंग उमंग है क्या, नेता है क्या, कोई SDM कलेक्टर है कि FIR नहीं हो रहा है? हाँ सर। क्या SDM? क्या SDM है? SDM खिलाफ़ मुकदमा करवाने हो? क्या चाहते हो भाई, मैं कचहरी ना जाऊँ? सर बहुत उम्मीद लेकर आए हैं सर। उम्मीद लेके आए भाई, मैं ही हूँ, बताओ। सर न्याय करिए सर। अरे सर, न्याय तो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं SDM खिलाफ थोड़ी कर सकता हूँ, बताओ। सर समझने की कोशिश करिए सर, मैं तो आत्महत्या कर लूँगा सर। ऐसा मत करो भाई, एक काम करो, मैं बहुत चले जाऊँ सर, किसी के दूसरे यहाँ चले जाओ भाई। नहीं सर, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, सुना होगी आप बहुत ईमानदार वकील हैं और आप। हूँ तो भाई, लेकिन अगर यहाँ पे कोई DM SDM प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा करवाने आए तो मैं कर सकता हूँ, एक आम आदमी हूँ, बताओ। नहीं सर, आप कर लें, आप समझिए मेरी मजबूरी सर। सर ठीक है, बैठो, देखता हूँ। बहुत